मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वक्त हम प्रेस क्लब के बाहर हैं और हमारे ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स की तरफ से ये विरोध जो है दिवाली के दिन हमने मजबूर होकर ये किया है, और जिसमें हमारे यूटी प्रेसिडेंट, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल जी, नारायण जी, यूटी प्रेसिडेंट डीके सिंह जी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। हमने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है दिवाली के दिन, हमने किसी भी किस्म की दिवाली आज नहीं मनाई है। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहिबान, यूटी प्रेसिडेंट यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं काली पट्टी लगाकर। हमारा ये पैगाम देने का हमारा यहाँ पर ये इस वक्त यहाँ पर खड़े होने का मकसद यही है कि हम अपने घरों से दूर हैं, हमने किसी भी किस्म की दिवाली नहीं मनाई। उसका वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ जिस तरीके से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ के गवर्नर इंतजामिया की तरफ से धोखा फ्रेब सड़कों पर मजबूर कर दिया गया है यहाँ के डेली वेजर्स को, NHRM एम्प्लॉयज़ को, PHE लैंड ओनर्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट के लैंड ओनर्स को, आम जनता को, हमारे SPOs भाइयों को जो हम सबकी रक्षा करते हैं, VDC SPOs को, डिसंगेज SPOs के मुद्दे, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से कोई अलग आर्डर निकलता है, होम मिनिस्टर साहब बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डेली वेजरों को, तमाम तबके के छोटे मुलाजमों को सड़कों पर रखा गया है। तो इसलिए हमने ये कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट मौजूद थे। हमने ये देश के प्रधानमंत्री तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक देश के प्रधानमंत्री अपनी ज़ाती तवज्जा नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, और यहाँ के लीडर और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह कर रहा है। यहाँ की रिपोर्टिंग कर कुछ और जाती है और ज़मीनी हकायक कुछ और हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल देश के होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर खुद अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि कौन सा मिनिमम वेजेस एक्ट, यहाँ पर तो डेली वेजरों को जो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है उसके लिए भी उनको